Thank you, Deputy Chairman Sir, for allowing my notice for special mention. The topic of my special mention is concern over non-repatriation of gangsters operating from abroad. Sir, आज मैं जिस मुद्दे पे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ वो मेरे सूबे पंजाब का ही नहीं सर बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा है. जिस तरह गैंगस्टर्स हमारे देश में पनपे और फले फूले हैं उसका नतीजा है कि आज गैंग क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. आज से कुछ महीने पहले ही पंजाब में एक मशहूर गायक की गैंगस्टर्स ने हत्या कर दी थी. इन अपराधों के चलते माओ के जवान बेटे जान से हाथ धो बैठ रहे हैं सर. ये गैंगस्टर्स आज देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने में बैठकर इन क्राइम्स को अंजाम दे रहे हैं. कुछ देश गैंगस्टर्स के ठिकाने बन गए हैं. माने राघव जी, जी जो प्रूफ टेक्स्ट है मैं वही पढ़ रहा हूँ सर. नहीं, आप वो पढ़ने जो कटा हुआ है मीडिया में, वही पढ़ रहा हूँ सर. मीडिया में छप रही खबरों के अनुसार अब गैंगस्टर कथित तौर पर थाईलैंड और दुबई जैसे स्थानों पर चले गए हैं जहां से वे भारत के अपने गैंग्स संचालित कर रहे हैं. इसके अलावा भारत सरकार की खुफिया एजेंसी खुद मान रही है सर कि ये गैंगस्टर्स और आतंकवादी समूह अब मानव तस्करी और नशीले पदार्थों के नेटवर्क का संचालन करने लगे हैं. ये इनके पैसे बाहुबल और प्रभाव को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है सर. मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि अपना कूटनीतिक कौशल दिखाए, विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स को वापस इस देश लाए और यहां इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए. धन्यवाद. थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर फॉर अलाउइंग माई नोटिस फॉर स्पेशल मेंशन. द टॉपिक ऑफ माई स्पेशल मेंशन इज कंसर्न ओवर नॉन रिपैट्रिएशन ऑफ गैंगस्टर्स ऑपरेटिंग फ्रॉम अब्रॉड. सर, आज मैं जिस मुद्दे पे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ वो मेरे सूबे पंजाब का ही नहीं सर बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा है. जिस तरह गैंगस्टर्स हमारे देश में पनपे और फले फूले हैं उसका नतीजा है कि आज गैंग क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. आज से कुछ महीने पहले ही पंजाब में एक मशहूर गायक की गैंगस्टर्स ने हत्या कर दी थी. इन अपराधों के चलते माओ के जवान बेटे जान से हाथ धो बैठ रहे हैं सर. ये गैंगस्टर्स आज देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने में बैठकर इन क्राइम्स को अंजाम दे रहे हैं. कुछ देश गैंगस्टर्स के ठिकाने बन गए हैं. माने राघव जी, जी जो प्रूफ टेक्स्ट है मैं वही पढ़ रहा हूँ सर. नहीं, आप वो पढ़ने जो कटा हुआ है प्लीज. मीडिया में वही पढ़ रहा हूँ सर. मीडिया में छप रही खबरों के अनुसार अब गैंगस्टर कथित तौर पर थाईलैंड और दुबई जैसे स्थानों पर चले गए हैं जहां से वे भारत के अपने गैंग्स संचालित कर रहे हैं. इसके अलावा भारत सरकार की खुफिया एजेंसी खुद मान रही है सर कि ये गैंगस्टर्स और आतंकवादी समूह अब मानव तस्करी और नशीले पदार्थों के नेटवर्क का संचालन करने लगे हैं. ये इनके पैसे बाहुबल और प्रभाव को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है सर. मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि अपना कूटनीतिक कौशल दिखाए, विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स को वापस इस देश लाए और यहां इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए. धन्यवाद.